हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार हम कवर करेंगे 2022 के। आप सभी को आई थिंक पता है कि अभी हाल ही में खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। खेल पुरस्कार हम कवर करने वाले 2022 के। 2022 में बेसिकली ये 2021 के दिए गए, इनको हम कवर करेंगे एमपी स्पोर्ट्स अवार्ड। अब इसमें सभी अवार्ड जो है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मैं आंसर आपको दे रखा है। क्लियर है? तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को बताइए कि यहाँ से क्वेश्चंस, आपकी कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस, उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपको एमपी का करंट अफेयर मिल जाएगा 2022 का पूरा, जनवरी से दिसंबर तक का। इसमें स्पेशल करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर भी शामिल है। इस पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहते हैं तो इसका डेमो चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एमपी जीके का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फाइल मिलती है। इन सभी से आप एमपी जीके पूरा कवर कर सकते हैं। इस पर भी काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, डेमो आप एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही गाइस, 2021 और 20 का भी करंट अफेयर अवेलेबल है। 2020 का, 2021 का और 2022 का, तीनों साल का करंट अफेयर अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है इन सभी पर। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए, कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको जो करंट की अपडेट है सबसे पहले मिले, तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सभी की जो पीडीएफ है ये आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। क्लियर है? तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की शानदार वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2021 के बारे में। देखिए, 2022 अभी चल रहा है और अभी रिसेंटली ये 2021 के जो खेल पुरस्कार हैं, इनकी घोषणा एमपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2021 के मध्य प्रदेश सर्वोच्च खेल पुरस्कारों एमपी स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी गई है। खेल विभाग द्वारा घोषित लिस्ट में प्रदेश के सर्वोच्च जो है 13 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 3 कोच को विश्वामित्र पुरस्कार के लिए, 9 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार के लिए, साथ ही 1 खिलाड़ी को प्रभाष जोशी जो मलखम पुरस्कार होता है इसके लिए, साथ ही 1 खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित के लिए सर्वोच्च नामित किया गया है। तो गाइज, ये चीजें है आपको याद रखना है। कितने खिलाड़ियों को, क्वेश्चन बन सकता है कि बताइएगा 2021 के जो खेल पुरस्कार है इसमें विक्रम पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर होगा सभी चीजें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं हम गाइस एकलव्य पुरस्कार की। तो देखिए, एकलव्य जो पुरस्कार है इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कि कौन कौन विनर से किसको ये अवार्ड मिला है। गाइस, अगर इसके स्टैटिक जीके की हम बात करें, एकलव्य जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी, तो 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो पुरस्कार है किसको दिया जाता है, राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों को ये पुरस्कार बेसिकली दिया जाता है, जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम हो एवं जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम दो वर्षों तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जिनकी उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए, जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम दो वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही वो राज्य के मूल निवासी भी होने चाहिए। तो ये बेसिक डिटेल है या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, एकलव्य पुरस्कार के लिए 1994 में इसकी शुरुआत की गई। अब इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, इस पुरस्कार के तहत एकलव्य पुरस्कार में 1,00,000 रुपये की राशि दी जाती है। 1,00,000 रुपये की राशि दी जाती है, पहले इसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं, बट जो है पिछले साल से ही इन्होंने इंक्रीज कर दिए इन राशि को, अब 1,00,000 रुपये यहाँ पर कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही गाइस ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र भी दिया जाता है इस पुरस्कार के तहत। अब हम बात करते हैं कि इसके विजेता कौन है, इसके विनर्स कौन है एकलव्य पुरस्कार के, इसको दिया गया है 2021 का। गाइस, अगर हम बात करें एकलव्य पुरस्कार 2021 की, तो इस वर्ष 9 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार बेसिकली दिया गया है, 9 खिलाड़ियों को इससे सम्मानित किया गया है। इन 9 के बारे में हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर है अंशिका कनौजिया, इनका जो संबंध है सॉफ्ट टेनिस से है और भोपाल की ये हैं, तो इनसे इनका संबंध भी पूछा जाता है कि बताइएगा कि अंशिका एकलव्य पुरस्कार विजेता 2021 का जो एकलव्य पुरस्कार मिला है सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी अंशिका कनौजिया को, तो बताइए इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, किस शहर से है, इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें से वो शहर पूछ सकते हैं, उनका क्षेत्र पूछ सकते हैं, किस खेल से संबंधित है, या खिलाड़ी का नाम भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा इनको कौन सा अवार्ड मिला है।
क्लियर है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का बन सकता है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से बना लेंगे, इसलिए हम आपको एक एक चीजें पूरी बेसिक डिटेल के साथ बता रहे हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड खिलाड़ी की, इनको ये अवार्ड मिला है एकलव्य पुरस्कार। टीका चौहान इनका नाम है, कयाकिंग केनोइंग की खिलाड़ी है ये, और इंदौर से इनका संबंध है। इंदौर, कयाकिंग केनोई, टीका चौहान इनका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारी जो खिलाड़ी है इनका नाम है पूजा, कुश्ती से इनका संबंध है, देवास जिले से इनका संबंध है। श्रुति सर्वैया की बात करें तो वुसू से ये प्ले करती है, वुसू, और अशोकनगर जिले से ये आती है। इसी के साथ में अर्जुन ठाकुर हैं जो कि शूटिंग से संबंधित हैं और होशंगाबाद जिले के ये रहने वाले हैं। कन्या नायर की बात करें, इनका नाम बेसिकली कन्या नायर भी है, नैयर, और कन्या नायर भी इनको बेसिकली कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। तो तैराक है ये कन्या नायर, कन्या नैयर, और इंदौर से इनका संबंध है। इसी तरह इकराम अली खान की अगर हम बात करें, एथलीट है ये इकराम अली खान, और विदिशा जिले से ये आते हैं। गोपाल ठाकुर जो कि रोइंग के खिलाड़ी है, देवास जिले से ही आते हैं। इसी तरह सिद्धि छतवानी की बात करें तो शूटिंग बॉल से इनका संबंध है और भोपाल जिले से ये आती है। तो इन सभी 9 खिलाड़ियों के बारे में याद रखिएगा, इन 9 खिलाड़ियों को वर्ष 2021 के लिए एकलव्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है या इससे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, डिटेल हमने कवर कर लिए एकलव्य पुरस्कार के बारे में। अब नेक्स्ट जो पुरस्कार है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो अवार्ड है इसका नाम है विक्रम पुरस्कार 2021। विक्रम पुरस्कार 2021 अगर दिया गया है इस साल, क्लियर है। अब अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो गाइस विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है ये 2,00,000 रुपये है, 2,00,000 रुपये की राशि इसके तहत दी जाती है। पहले इसमें 1,00,000 रुपये दी जाती थी, और ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस तरह से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके आगे आप लगा लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। बताइए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो ये है आपका विक्रम पुरस्कार। सबसे बड़ा खेलों के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है ये विक्रम पुरस्कार ही दिया जाता है मध्य प्रदेश में। और ये जो पुरस्कार है किसे दिया जाता है, तो यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश का राज्य का मूल निवासी हो, जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। सीनियर खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, और जूनियर जो खिलाड़ी होते हैं उनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। इसीलिए जूनियर को 19 वर्ष की जो आयु है ये मिनिमम रखी गई है उनके लिए, क्लियर है। यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता दूं, 19 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए उनके लिए, जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम होना चाहिए ये आपको रखा गया है इसमें। तो ये जूनियर खिलाड़ी के लिए है, और ये विक्रम पुरस्कार जो है ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, क्लियर है। तो ये एलिजिबिलिटी होती है इन अवार्ड की जिनको ये देते हैं उनके लिए, और इस वर्ष जो है 13 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 खिलाड़ियों को इस बार विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा 2,00,000 रुपये की राशि दी जाती है, 1990 में शुरुआत हुई थी। 13 खिलाड़ियों को इस साल दिया गया है, और किसको दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी होने चाहिए, जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो, उनको ये दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से विनर्स हैं, किनको यह सम्मान मिला है। पहले नंबर पर है आद्या तिवारी। आद्या तिवारी सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, इनका सॉफ्ट टेनिस नर्मदापुरम जिले से ये आती है। नेक्स्ट है एनी जैन। एनी जैन का संबंध तैराक से, तैराक खेल से, स्पोर्ट्स से, और ये इंदौर से इनका संबंध है। इसी तरह आरती नाथ की बात करें तो कयाकिंग कैनोइंग की खिलाड़ी है, धार जिले से ये आती है। मनीषा कीर काफ़ी फेमस है, आपने आई थिंक सभी ने नाम सुना होगा, शूटिंग से इनका संबंध है और भोपाल जिले से ही आती है। इसी तरह सुदीप्ति हजेला, इनका घुड़सवारी से संबंध है, घुड़सवारी की खिलाड़ी है ये, और इंदौर से इनका संबंध है। इसी तरह रोहित वाजपेयी की बात करें तो योगा के ये हैं, और ये इंदौर जिले से आते हैं। श्रियांशी परदेसी की बात करें तो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इंदौर जिले से आती है। इसी तरह नैन्सी जैन खो खो की खिलाड़ी है और जबलपुर जिले से आती है। 13 खिलाड़ी है, 13 के बारे में आप याद रखिएगा। कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी की खिलाड़ी है, इंदौर जिले से ही आती है। एक और चीज़ बता दूं गाइस, इस बार जो कांस्टेबल की आपकी एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आपके बने थे, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स अवार्ड वाला, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं एक और चीज़ बता दूँ, हमारी जो स्पेशल ई बुक है 2022 की, एमपी करंट अफेयर 2022 की जो ई बुक है हमारी, उसमें हमने टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर है वो अपडेट कर दिए हैं। तो उसमें जितने भी अवार्ड होनर्स हैं यानी पुरस्कार जितने भी दिए गए हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड भी हम अपडेट कर देंगे, उसमें कर दिया है स्पोर्ट्स अवार्ड भी, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर भी अपडेट उसमें कर दिया है। साथ ही जितने भी पुरस्कार और सम्मान है वो भी हमने अपडेट कर दिया है। भारत में पहली बार, भारत में यानी मध्य प्रदेश में पहली बार, मध्य प्रदेश में चर्चित पुस्तक, चर्चित निधन, चर्चित व्यक्तित्व, ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, योजनाएं, अभियान, और क्या क्या लॉन्च किया गया है इस साल,
2022 में मध्य प्रदेश में क्या क्या घोषणा की गई है। तो ये सभी जो जरूरी चीज़ें हैं इनको टॉपिक वाइज हमने उस ई बुक में अपडेट कर दिया है। अगर आपने ई बुक का डेमो चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहते हैं तो उसको परचेस कर सकते हैं। देखिए हमारी जो नेक्स्ट खिलाड़ी है इनका नाम है रागिनी चौहान। रागिनी चौहान का जो संबंध है ये सॉफ्ट बॉल से है और ये देवास से आती है। इसी तरह नेक्स्ट है पूनम शर्मा, जूडो की खिलाड़ी है, भोपाल जिले से ही आती है। भगवान सिंह कुशवाहा, इनको तो आई थिंक आप सभी जानते हैं, रत्नेश पांडे और भगवान सिंह कुशवाहा को, ये दोनों जो है पर्वतारोही है, साहसिक से इनका संबंध आता है इस कैटेगरी में, क्षेत्र है इनका तो पर्वतारोही है बेसिकली इनको अगर बोला जाए तो। भगवान सिंह कुशवाहा रत्नेश, भगवान सिंह जो कुशवाहा है इनका संबंध भोपाल से है, रत्नेश पांडे का संबंध है सतना जिले से। याद रखिएगा दोनों के बारे में क्लियर है। तो यहाँ पर ये बेसिकली 13 खिलाड़ी है जिनको विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनकी सभी की आप याद रखिएगा अच्छे से क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार की। विश्वामित्र पुरस्कार 2021, अगर हम इसके बेसिक डिटेल में जाएं तो इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। ये पुरस्कार किसे दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षकों को या कोच को दिया जाता है, ऐसे कोच को दिया जाता है जिसके कम से कम दो खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं, उन कोच को ये जो पुरस्कार है दिया जाता है। बेसिकली ये कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को, ध्यान रखिएगा ये खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम विश्वामित्र पुरस्कार रखा गया है। अब इसके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है, उसको दिया जाता है जिसके उस कोच को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, पहले 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती थी, क्लियर है। और इस वर्ष 3 खेल प्रशिक्षकों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनके नाम भी हम आगे आपको बताएंगे। बट यहाँ से आपकी बेसिक डिटेल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आपसे पूरे बनने चाहिए, क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट आप कर सकते हैं। अब देखिए हम उन जो प्रशिक्षक हैं उनके नाम यहाँ पर आपको बता देते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार इस बार 3 प्रशिक्षकों को बेसिकली कोच को दिया गया है। किन किन को दिया गया है? देखिए पहले नंबर पर पारितोष शर्मा जो कि कराटे के प्रशिक्षक हैं और ग्वालियर से इनका संबंध है, इनको ये दिया गया है। इसी तरह विनय प्रजापति जो कि कुश्ती के प्रशिक्षक है, कुश्ती के कोच है, भोपाल से इनका संबंध है, उनको ये दिया गया है। इसी तरह मोहन लाल बम्बोरिया जो कि मलखम के प्रशिक्षक है, इनको उज्जैन जिले से ही आते हैं, उज्जैन से, तो मोहनलाल बम्बोरिया मलखम के कोच है ये, इनको ये दिया गया है। इन 3 को दिया गया है, कराटे, कुश्ती और मलखम के प्रशिक्षक को, पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति, मोहनलाल बम्बोरिया, याद रखिएगा ग्वालियर, भोपाल और उज्जैन 3 जिलों के प्रशिक्षकों को ये मिला है इस बार। तो याद रखिएगा विश्वामित्र पुरस्कार काफी इंपोर्टेंट है और यहाँ से हर एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए गाइस यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस भी बनते हैं स्टैटिक वाले आपके, कि बताइए इनमें से कौन सा जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप अच्छे से याद नहीं कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021। गाइस लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, क्लियर है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो पुरस्कार है 2002 में प्रारंभ किया गया था। ये पुरस्कार ऐसे खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, पहले इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, क्लियर है। तो इस बार ये जो पुरस्कार दिया गया है ये बलवीर सिंह कुशवाहा को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बलवीर सिंह कुशवाहा। अब इनका जो संबंध है टेबल टेनिस, ड्रैगन बोट, कयाकिंग, कैनोइंग आदि में इनका संबंध है, यानी इन्होंने जो है प्रदेश के खेलों में के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया है इन सभी खेलों में, इसलिए इनको यह दिया गया है। इनका संबंध ग्वालियर से है, बलवीर सिंह कुशवाहा, याद रखिएगा 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, 2002 में इसको प्रारंभ किया गया था, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार की। तो प्रभाष जोशी जो पुरस्कार है ये बेसिकली मलखम खेल में दिया जाता है, पारंपरिक खेल मलखम में उत्कृष्टता के लिए ये दिया जाता है, और ये जो मलखम के लिए ही दिया जाता है प्रभाष जोशी, जैसे कि विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, ये सभी खेलों के लिए बेसिकली दिए जाते हैं। बट जो प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार है, प्रभाष जोशी पुरस्कार, ये बेसिकली मलखम में उत्कृष्टता के लिए ही दिया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपये की राशि यहाँ पर दी जाती है, पहले 1 लाख रुपये की राशि इसमें दी जाती थी।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है 2022 में, ये किसे दिया गया है प्रभाष जोशी पुरस्कार। क्लियर है? तो मुजाहिद बेग को मलकम के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। इनका संबंध वो उज्जैन से है, इनका संबंध उज्जैन से है। और गाइस पिछली बार भी जो अवार्ड मिला था मलकम का, ये उज्जैन के ही वैष्णवी कहार को मिला था। आई थिंक आप सभी को पता होगा। अगर आपने पिछले साल वाला स्पोर्ट्स अवार्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें भी आपके क्वेश्चंस काफी बनेंगे। क्लियर? तो गाइस मुजाहिद बेग मलकम से इनका संबंध है और उज्जैन जिले से ही आते हैं। इनको इस बार प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर हमने जितने भी आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स थे जो अभी हाल ही में दिए गए हैं, इन सभी को कवर अच्छे से कर लिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपने इन सभी के डेमो चेकआउट नहीं किया तो डेमो चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। 2022 की बुक है, 2020 की भी ई बुक अवेलेबल है, इसके अलावा 2021 की भी ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा एमपीजी के स्पेशल कोर्स है पूरा। बाकी गाइस आपके आगामी जो एग्जाम है, पटवारी, पुलिस, आबकारी आरक्षक, इन सभी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसलिए एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो काफी सारे फ्री नोट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और फ्री पीडीएफ भी यहाँ पर आपको काफी सारी डाल दी गई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले किसी भी करंट की अपडेट होती है, सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट की जाती है, तो टेलीग्राम को भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन को एक बार जैसे चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।